Good morning students, welcome to environment class standard 4. We will continue our 12th chapter changing times. Changing times hamara almost done ho gaya tha, maine pura chapter aapko explain kar diya tha. Is chapter mein Chetan Das ki story hai. Chetan Das ne apne bachpan se leke aaj wo 72 ya 75 years old hai, tab tak ki uski jo journey hai wo sari explain ki hai. Us journey ke dauran kitne चेंजेस आए उनकी लाइफ में वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, वो सारा दिखाया है इस चैप्टर में. और ये मेन चीज उसमें क्या है कि मेन चीज ये है कि हाउसेस किस किस टाइप के होते गए, कि चेतन दास के टाइम पे मतलब उसके फादर ने जो घर बनाया था वो किस मटेरियल से बना था, फिर जब वो बड़ा होता है तब वो किस मटेरियल से बनाता है, फिर उसके बड़े बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो किस मटेरियल से हाउसेस बनाते हैं, एंड देन बच्चे ग्रैंड चाइल्ड जो होते हैं वो किस मटेरियल से घर बनाएंगे. तो कितने सारे चेंजेस लाइफ में आते हैं, वो सारे चेंजेस के साथ साथ यहाँ पे मेन चीज ये है कि हाउसेस में किस टाइप के चेंजेस आते हैं. इस लेसन में बेसिक जो है वो स्टोरी इस टाइप की है, बट यहाँ पे बेसिक क्या है कि हाउसेस में किस टाइप के चेंजेस आते हैं. ओके, तो पहले के जमाने में कच्चे हाउसेस थे, मिट्टी मतलब सॉइल मड वो सारी चीज से बनाए जाते थे, वुड से बनाए जाते थे. एंड उसमें जो किचन का जो पार्ट था वो किचन कैसे होते थे, तो किचन खुले होते हैं, वॉल्स नहीं होती, सिर्फ उसके ऊपर रूफ होती है, तो उस टाइप के किचन थे. देन जब वो बड़ा होता है तो उन्होंने अपना किचन के लिए भी अलग प्लेस बना के उसको घर बन मतलब पैक कर दिया, और किचन में भी वेसल्स रखने के बर्तन रखने के लिए भी अलग प्लेस बनाए. फिर देन जब उसके बेटे बड़े हो जाते हैं तब उन लोगों ने पहले के ज़माने में जैसे टॉयलेट जो थे वो फील्ड में जाते थे, बाहर जाते थे, घर में किसी के भी घर में टॉयलेट होते ही नहीं थे. तो जब उसका बेटा बड़ा हो जाता है तब वो टॉयलेट भी बनवाता है, फिर उसकी प्रॉपर ड्रेनेज लाइन के साथ. तो जैसे जैसे इम्प्रूव जैसे जैसे टाइम आगे जाता है वैसे बहुत सारी चीज़ें में चेंजेस आते जाते हैं. तो यही इस लेसन का मेन पॉइंट. ओके, तो उसके बेस पे हमारे थोड़े से क्वेश्चन आंसर बाकी थे तो वो हम आज कंटिन्यू करते हैं. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं कि आंसर तो फॉलोइंग क्वेश्चन वैसे तो बहुत सारे हो गए हैं बट थोड़े से बाकी है तो वो हम लिखते हैं. तो यहाँ पे जो मजदूर होते हैं, बड़े बड़े मॉल जो बनते हैं, हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिख दिए थे पर उसमें मॉल वाले क्वेश्चन थे कि बड़े से मॉल या बड़ी से बिल्डिंग बन रही है 10 या 10 फ्लोर की या इतनी बड़ी, तो वहाँ पे कितने सारे मेसन्स वर्क करते हैं, किस किस टाइप का कौन वर्क करता है वो सारा देखा था. तो यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ मच मनी डू दिस पीपल गेट पेड डेली, हाउ मच मनी. मैं वन नंबर ही लिख रही हूँ, आपका जो नंबर आ रहा है वो नंबर के बेस पे आप कंटिन्यू करना. ओके, तो यहाँ पे three different people.
अभी ये जो पीपल है वो रहते कहाँ पे है वो हमें लिखना है। टू नंबर वेर डू दिस पीपल लिव, तो ये पीपल कहाँ पे रहते हैं, तो सम ऑफ देम लिव इन
materials. Materials being used for making. Drop.
सीमेंट एक बैग सीमेंट
with cement. किस टाइप का मटेरियल यूज होता था पहले के जमाने में कि चार डिफरेंट टाइप थे
रूपों में